हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप बहुत ज़्यादा ही खुश होंगे आज, क्योंकि जिसका आप सभी लोगों को इंतजार था कि सीईटी, अरे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्या होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होगा, क्या नाम होगा, क्या होने वाला है, इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है, कितनी आने वाली है, पूरी की पूरी जानकारी जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आज जारी कर दी गई है। आज आपको जो है ये विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। आज दिनांक है 21/9/2022 के दिन, और मैं आप लोगों को आज इस सीईटी के अंदर आने वाली सभी वैकेंसी के बारे में और जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी वो देखिएगा आप किस प्रकार से अपनी यहाँ पर जो है सही साबित हुई है। तो सबसे पहले अपन इस नोटिफिकेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे, ताकि आगे आने वाले विद्यार्थियों के लिए, आगे आने वाली वैकेंसी के लिए अपन बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और हमें कोई पागल नहीं बना सके। क्योंकि जैसे ही कुछ मार्केट में नई चीज़ आती है तो आपको पागल बनाने के लिए दुनिया तत्पर हो जाती है, तो हमें वो नहीं बनना है, हमें यहीं पर वही चीज़ें समझनी है। तो हम ये 12 पेज का नोटिफिकेशन है, बहुत अच्छे से समझाऊँगा मैं आप लोगों को। सबसे पहले इसके अंदर आने वाली सेवाओं के नाम, तो ग्रेजुएशन लेवल का ये सीईटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ठीक है। 12th वाले वालों के लिए अभी ये काम का नहीं है, उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें जल्दी ही जारी हो जाएगी। अब देखिए, ग्रेजुएशन के अंदर सबसे पहले सर्विस दी गई है राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा, राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा, राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा, राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा, राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा, और राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा के बारे में, और राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा। ये कुछ 9 जो है अपने सॉरी 8 डिपार्टमेंट है, या हम कह सकते हैं ये 8 सर्विस के नाम है, जिसके अंदर किन पदों पर आपका चयन हो सकता है। तो पद है आपका प्लाटून कमांडर, जो कि आपके SI सब इंस्पेक्टर के साथ आने वाली वैकेंसी है ये एक, ठीक है। फिर जिलेदार और पटवारी, ये किसके अंदर, अभियांत्रिकी यानी आपका जो सिंचाई वाला विभाग है उसके अंदर अभियांत्रिकी वाला पोर्शन है ये। और अधीनस्थ लेखा सेवा, जूनियर अकाउंटेंट, जिसके बारे में आज सुबह ही मैंने स्टेटस लगाया था कि 1900 प्लस पद आने वाले हैं और बहुत जल्द आएंगे, और देख लीजिए आज ही नोटिफिकेशन जारी हो गया और उसमें आ गया ये, ठीक। फिर है तहसील राजस्व लेखाकार यानी कि TRA। फिर है पर्यवेक्षक, जो महिला अधिकारिता के अंदर सुपरवाइजर आते हैं वो। और फिर है बाल विकास अधीनस्थ के अंदर पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर, और उप जेलर आपके, और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2nd, जो ग्राम सेवक के साथ में इसका नोटिफिकेशन हमेशा जारी होता था, ठीक है। चलो भाई, तो ये अपनी सर्विसें हैं, ये पद पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब सबसे पहले ये एकमात्र क्या है, पात्रता परीक्षा है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फिर देखो इसमें लिखा है स्पष्ट कि सम्मिलित पद पर सुसंगत सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएगी, यानी इसमें जो ये परीक्षा होगी इसमें जितने भी नियम वगैरह सब होंगे वो जितने भी पद है उन्हीं के अकॉर्डिंग होंगे। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होना या उसका स्कोर अर्जित कर लेना ही मात्र नौकरी की गारंटी नहीं होगी। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि केवल और केवल CET में अच्छा स्कोर है तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको नौकरी मिलेगी या नौकरी की गारंटी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप CET टॉप कर गए तो आप भाग गए कि सर हमको जॉब दे दो, नहीं भाई, आपको कोई जॉब नहीं देगा। अभ्यर्थियों को एजेंसी के द्वारा संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा, उसे अहित करना होगा सुसंगत सेवा नियमों के अधिकथित कसौटी वगैरह, ये सब ठीक है। इसमें ये अल्टीमेटली पूरा जो सिस्टम है वो यही कहा गया है कि आप ग्रेजुएट हैं तो आप सबसे पहले अब एक CET एग्ज़ाम दीजिए, ठीक, वो CET क्वालिफाई करिए, और आपके CET के अंदर आप आ जाते हो उसके बाद में आप जो है जिस पद के लिए अलग से एक एग्ज़ाम होगा, जैसे आपको कनिष्ठ लेखाकार बनना है तो जूनियर अकाउंटेंट का एक अलग से एग्ज़ाम होगा, उसकी आप तैयारी करवाओ, ठीक है। और उस कनिष्ठ लेखाकार का जो मुख्य परीक्षा होगी, जैसे अभी रीट में हो रहा है कि रीट एक पात्रता परीक्षा थी और फिर अब रीट की मुख्य परीक्षा होगी जो कि जनवरी में संभावित है, तो उसी प्रकार से आपके भी ये होने वाला है, ठीक है। ये एक वर्ष में कम एक बार आयोजित होगा CET का एग्ज़ाम, और इसका जो स्कोर आप करोगे वो स्कोर एक वर्ष के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ याद रखना। फिर आपके देखो
अगर बोर्ड के द्वारा उन समस्त अभ्यर्थियों के अंक जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए हैं प्रकाशित किया जाएगा, यानी हर बच्चे का नंबर आप लोगों को बताया जाएगा, मतलब आपके जो मार्क्स है वो बताए जाएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि ये जो है ऐसा, मतलब आप ये सोचो कि अच्छा भाई हमारे तो एजिप सेलेक्ट होगा उनका ही नहीं, सभी के नंबर बताए जाएंगे। उसके बाद में इसके अंदर प्रयासों के लिए कोई जो है आपके नहीं रखे गए ये लिमिट अभी, तो इसके अंदर आप जितने चाहो अपने स्कोर सुधारने के लिए अवसर है आपके पास में, आप दे सकते हो चांसेस एग्जाम के ऊपर एग्जाम दे सकते हो। उसमें कोई अभी तक जो है इसमें ऐसा नोटिफिकेशन में नहीं कहा गया है, सर्वोत्तम जो आपका स्कोर होगा वही आपका जो है वैलिड रहेगा। फिर आपके जो आपके स्नातक स्तर में उल्लेखित अधीनस्थ और लिप वर्गीय सेवाओं के पदों का सीधी भर्ती को शासित करने के किसी नियम के कोई बात समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखित पदों पर चयन के लिए संचालित परीक्षा वगैरह ये सब जो है नहीं होगा। सीईटी न्यूनतम अंक जो भर्ती एजेंसी द्वारा अवधारित किए जाए प्राप्त करने पर असफल रहता है, न्यूनतम अंक अवधारित ये सब ठीक है। ये कहा गया है कि भाई आपके सीईटी की जो वैकेंसी आएगी उसके अंदर हम जो है सीईटी पर लगभग जितनी वैकेंसियां हैं हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट की उनका 15 गुना हम बच्चों को पास करेंगे और फिर उन 15 गुना बच्चों को ही केवल और केवल वो मेन परीक्षा मुख्य परीक्षा देने का अधिकार होगा, बाकी आप सब बाहर हो जाओगे। ठीक है, ऐसा इसमें ये कहा गया है। फिर आपके ये सब जो शैक्षणिक योग्यता वगैरह ये सब आगे दी गई है तो अपन आगे पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन होगा वही आपके SSO ID से आपका जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप वो कर लेना, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, आप करते हुए आए हो रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जाकर के आप कर सकते हो। फिर अपन बात करते हैं आगे, तो देखो भाई आवेदन शुल्क जो है आपके कितनी है, तो 450 रुपये है OBC और जो OBC में अभी मतलब वो वाले जो क्रीमी लेयर में आते हैं और जनरल के लिए, और जो नॉन क्रीमी लेयर OBC है और आपके जो भी अन्य EWS वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 350 और समस्त इसके अलावा जितने भी हैं SC ST या कोई भी और जो भी बचे हैं वो सब का कितनी रहेगी फीस, 250 रुपये रहेगी। ठीक है, अगर किसी विद्यार्थी का देखो आपके जो है इसमें ये लिखा हुआ है कि कार्मिक विभाग के ही, ठीक है ये सब छोड़ो, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये से कम है ऐसे SC और ST कैंडिडेट को 250 रुपये ही दे है, तो वो तो भाई साहब ऊपर ही बता दिया आपने 250 रुपये दे है, सीधी सी बात है वो। ठीक है चलो भाई, फिर आपको जो है अपने देखिए फीस एक बार जमा होने के बाद वापस लौटाई नहीं जाएगी, ये सब ठीक है, इसमें कोई अपने को अभी ज़रूरत नहीं है, वो सबको पता है। अब बात आ जाती है कि कितनी भर्ती आने वाली है, यानी जो वैकेंसियां हैं वो कितनी आने वाली है, वो भी तो पता होना चाहिए हमें। अरे भाई वैकेंसी कितनी आएगी वो पता नहीं होगा तो हमारे क्या फ़ायदा, तो वैकेंसी कितनी आएगी वो आपको बता दिया गया है पहले ही। प्लाटून कमांडर जो है उसकी आएगी कितनी दोस्तों, 43। जिलेदार की अभी इसमें कोई नहीं बताई गई है, पटवारी की बताई गई है 272। कनिष्ठ लेखाकार देखिए 1923 पोस्ट आने वाली है, मैंने बोला ही था सुबह नोटिफिकेशन लगाया ही था मैंने 1900+ पोस्ट है, तो देख लीजिए आप कितनी है, 1923 पोस्ट आने वाली है जूनियर अकाउंटेंट की, जो इस वैकेंसी के अंदर सबसे हाईएस्ट इन्हीं की पोस्ट है। उसके बाद में TRA की आएगी लगभग 200, 198। पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता के अंदर आएगी 176। पर्यवेक्षक समेकित बाल विकास सेवाएं जो होती है उसके अंदर नहीं है। उप जेलर की आएगी 49 और छात्रावास अधीक्षक की आएगी 335। ठीक है, तो ये टोटल 8 अलग अलग पोस्टें हैं और आप ये जितने पद हो रहे हैं इनको ऐड कर सकते हैं, लगभग इतने ही पद पर वैकेंसी आने वाली है। तो देख लो भाई 43 और ये 49 कितने हो जाएगी, 86 और फिर अपने जो है ये देखिए दो इसको दे दो तो 200 और ये 470, तो ये हो गई। फिर देखिए अपने पास में कितनी है, तो 335 और 176 कितनी हो जाएगी, 1 इधर 8 और 3 का 11 और ये इधर वापस 1 1 1 2 3 5, ये 511 और हो जाएगी, तो ये भी गई और ये भी गई। उसके बाद में अपने पास में बची कितनी दोस्तों, 1923 पोस्ट है, तो ये 1923 पोस्ट यानी ये टोटल जुड़ करके कितनी हो रही है, तो देख लो भाई 9 और ये 10, 18 के 8, 80 लगी 1, तो ये कितनी हो जाएगी 9 14 14 और 5 कितनी होती है रे भाई 19, ठीक है 19 का 1 2, लगभग अपन देखें तो 3000 पोस्टें हैं भाई, कितनी
3000 पोस्टों पर, 3000 का मैंने कितना बोला था, 15 गुना यानी लगभग आप ये मान सकते हो लगभग 40,000 से 45,000 बच्चों को पास किया जाएगा मुख्य परीक्षा देने के लिए। यानी आप ये मान सकते हो कि जिस बच्चे ने सीईटी की अच्छे से तैयारी कर ली तो उसको जो है फिर मुख्य परीक्षा के अंदर कंपटीशन कम हो जाएगा, क्योंकि ये तो सभी अलग अलग लेवल पर पास होंगे। हो सकता है कोई जो है प्लाटून कमांडो की कर रहा होगा तो वो जूनियर अकाउंटेंट में तो दिक्कत देगा ही नहीं, तो उस बच्चे के लिए बेनिफिट है यहाँ पर, ठीक है। चलो भाई, अब इसमें पदों में बढ़ोतरी वगैरह की जा सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आपके जो आरक्षण वगैरह सब है वो आपको पता ही है। अब बात आ जाती है इसके अंदर आपके एलिजिबिलिटी की और क्वालिफिकेशन की, एजुकेशनली क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए। तो आपको बता दूं, महिला पर्यवेक्षक के लिए चाहिए है वो एज तो होनी चाहिए 18 से लेकर 40 वर्ष और आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक। जल संसाधन जो विभाग है उसके अंदर पटवारी के लिए 18 से 40 वर्ष, साथ ही साथ आप स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए और उसके साथ में आपके पास में या तो ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो या फिर COPA या डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCS या फिर आपके पास में कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा या कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डिग्री या पॉलिटेक्निक किए हुए होने चाहिए कंप्यूटर साइंस में आप, या इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के साथ में, या आपके पास में RSCIT होना चाहिए या देश से मान्यता प्राप्त जो अपना एक कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन का उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र आता है वो होना चाहिए, या इसके अलावा सरकार के द्वारा कोई भी सक्षम स्तर का जो आपके है योग्यता अगर रखता हो कंप्यूटर के अंदर वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो आपके पटवारी के अंदर ये है कहना चाहते हैं कि स्नातक डिग्री के साथ में RSCIT होनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा जो दूसरे हैं वो बहुत कम लोगों के पास होते हैं, RSCIT मैक्सिमम के पास है, तो मैंने RSCIT का बता दिया। जिलेदार के पोस्ट जो है वो ग्रेजुएट केवल होनी चाहिए, लेकिन अभी इसकी कोई पोस्ट वैकेंसी बताई नहीं गई है। प्लाटून कमांडोर की जो बताई गई है उसमें यही है स्नातक आप होने चाहिए, ठीक है। या फिर अगर आप फौज वगैरह से रिटायर्ड है तो आप नायब सूबेदार के पद से होने चाहिए, तो आप ग्रेजुएट नहीं हो तब भी चलेगा, या उससे अच्छी ऊँची रैंक पर, उससे अच्छी रैंक पर भूतपूर्व सैनिक हो तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तब भी आप एप्लीकेबल हो। फिर बात आ जाती है तहसीलदार, जो तहसील राजस्व लेखाकार यानी TRA की वैकेंसी की, तो TRA के लिए देखो एज चेंज हो गई, यहाँ पर देखो एज चेंज हो रही है। प्लाटून कमांडोर में एज कितनी है 20 से 40 वर्ष और तहसील राजस्व में 21 साल से लेकर 40 साल, ठीक है। और इसमें डिग्री क्या है, तो भाई आप भारत में केंद्र या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के द्वारा कोई भी विश्वविद्यालय जो UGC वगैरह से या राजस्थान सरकार से परमिटेड है वो, या फिर आप जो है लागत और श्रकम लेखाकार संस्थान कोलकाता की जो इंटरमीडिएट परीक्षा है वो उत्तीर्ण होने चाहिए, या भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान नई दिल्ली की जो इंटरमीडिएट परीक्षा है वो उत्तीर्ण होने चाहिए, या आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के DOEASCC ये सभी कोर्स होते हैं वो आपके पास में होना चाहिए, या आप कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग सहायक का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास में RSCIT होनी चाहिए, और आपके पास में या फिर पॉलिटेक्निक या कंप्यूटर। तो आप अल्टीमेटली यही कहना चाहते हैं इसके अंदर कि आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, और अगर डिग्री नहीं है तो इस प्रकार का कोई जो इंटरमीडिएट परीक्षा वगैरह भी CA की जो ICA कहते हैं जिसको इंटरमीडिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जाम वगैरह होते हैं वो कोई अगर क्वालिफाइड है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यह कि ये एलिजिबिलिटी है कनिष्ठ लेखाकार के लिए, जूनियर अकाउंटेंट के लिए, जिसकी सबसे ज़्यादा पोस्टें आने वाली है 1923 पदों पर, क्योंकि 90% अकाउंटेंट की पोस्टें खाली है। कितनी, 90% अकाउंटेंट की पोस्टें खाली है पूरे राजस्थान में। कारागार विभाग में उप जेलर के लिए 18 से 40, सिंपल ग्रेजुएट। पर्यवेक्षक के लिए केवल ग्रेजुएट, इसमें RSCIT की भी जरूरत नहीं है। मतलब छात्रावास अधीक्षक के लिए 21 से 40 वर्ष और केवल आपके जो है ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास में कंप्यूटर डिप्लोमा वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो जिसने ये परीक्षा दे दी वो अगर अपनी जो है पास वास हो जाता है तो उसके बाद देखो मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरण माध्यम में किया जाता है, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है,
या लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा या इसके चयन किया जाए, ऐसे कुछ मामले हैं तो वहाँ पर आप जो है अपनी शैक्षणिक योग्यताओं के लिए अंतिम वर्ष में भी है तो आप वैलिड है फॉर्म भरने के लिए। अल्टीमेटली ये है कि सीईटी का फॉर्म जो आप है अगर थर्ड ईयर में हो रनिंग है तो आप फाइल कर सकते हो और फॉर्म भर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये बात याद रखना कि अगर परीक्षा के बाद में आप जो है शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने लेते हो तो आप सीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आप पात्र नहीं गिने जाओगे फिर। यानी कि सपोज करो आपके थर्ड ईयर के एग्ज़ाम 12 जनवरी को पूरे होते हैं, मान लो एग्ज़ाम्पल के लिए 2023 में, और सीईटी का एग्ज़ाम कब हो रहा है 9 जनवरी से लेकर 9 जनवरी, अभी आगे डेट आएगी 2023, तो इसका मतलब आप ग्रेजुएट पहले हो रहे नहीं हो, बाद में होंगे ना ग्रेजुएट 3 दिन बाद में, तो आप एप्लीकेबल नहीं हो। यानी आप 6 जनवरी 2023 से पहले पहले ग्रेजुएट हो जाने चाहिए हो तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। चलो, आयु में आपके 2 साल की जो है वो वृद्धि की छूट दी जाएगी, कब, वो राज्य की सेवा में जो भी आपके ये कोरोना कारण जो है रहा है उसकी वजह से 2 वर्ष की छूट रहेगी, जैसे कि आपके जो भी, और ये छूट अधिकतम सीमा में किसको रहेगी, जो राजस्थान के मूल निवासी होते हैं उनको ही, ठीक है, ये बात आप याद रखना, बाकी ये नॉर्मल नियम है, ये कोई वो अपने खास है नहीं। ये याद रखना कि आवेदन जो है आप भरने की आपकी डेट है वो है 22/9 का मतलब, अरे भाई कल से ही, कल से आप फॉर्म फिल कर सकते हो 21/10 तक, यानी 22 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। और एग्ज़ाम की डेट जो है इन्होंने बताई है 6 जनवरी 2023 से 9 जनवरी 2023 के मध्य, ठीक है, मतलब 6 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी के बीच में होगा। हो सकता है एक ही एग्ज़ाम हो सकता है 2-3 चरणों में हो, अगर 2-3 चरणों में होता है तो सामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है, प्रवेश पत्र वगैरह सब बाद में आएंगे, ठीक है, फिर आपके विशेष निर्देश, ये फोटो वगैरह अपलोड करने के लिए, तो ये सब आपको पता ही है, इसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं। अब अपने बात आ जाती है, जो ये सीईटी हो रही है ग्रेजुएशन लेवल की, इसकी स्कीम क्या रहेगी, इसका पैटर्न क्या रहेगा एग्ज़ाम का उसकी, तो इसके अंदर पूरा विस्तृत सिलेबस दिया गया है, मैं अभी यहाँ समझाता हूँ। लेकिन इसमें एक तो बात ये कही गई है कि सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सभी एक एक क्वेश्चन का सभी का मार्क्स सेम ही होगा, यानी एक क्वेश्चन अगर 2 नंबर का है तो दूसरा क्वेश्चन भी 2 नंबर का ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का दूसरा 2 नंबर का, नहीं, सभी प्रश्नों के अंक समान रहेंगे। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी सीईटी के अंदर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना। अब प्रश्नों की संख्या 150 है और कुल अंक 300 है, यानी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी हर सब्जेक्ट अपने काम का ही है, और 3 घंटे आपको मिलेंगे, यानी 180 मिनट मिलेंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे तो आपके पास आधा घंटा एक्स्ट्रा रहेगा क्वेश्चन से भी, ठीक है। सर सब्जेक्ट कौन कौन सी ऐड है, तो भाई इसमें सभी सब्जेक्ट आ गई, इंडिया का पूरा जीके, राजस्थान का पूरा जीके, मैथ्स रीजनिंग और आपके हिंदी इंग्लिश सभी सब्जेक्ट है, कंप्यूटर करंट अफेयर सब, जो कि मैंने पहले ही बोला था कि कॉमन सिलेबस रहेगा, और ये का ये अभी भी बता रहा हूँ 12th वालों के लिए भी रहने वाला है, आप चाहे तो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा तब देख लेना, यही चीज़ हम पहले से समझाते हुए आ रहे थे, जिसने समझी थी उसकी अच्छे से तैयारी अभी से ही सीटी की हो चुकी होगी। पहले देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल देते हुए राजस्थान और भारत का इतिहास पढ़ना है, जिसमें आपके महत्वपूर्ण घटनाएँ पढ़नी है, 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और जो आर्थिक आपके धार्मिक सुधार हुए उनके बारे में पढ़ना है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन विभिन्न अवस्थाएं उसकी, योगदानकर्ता कौन है उनका योगदान बताना है, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति किसान आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण, प्रजामंडल, ये सब पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में, राज्यों का पुनर्गठन के बारे में, नेहरू युग में जो संस्थानिक निर्माण हुए उनके बारे में, विज्ञान और तकनीकी का विकास आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। ये इतिहास का पोर्शन है जो भारत के रेस्पेक्ट में है, और
राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति जो हर बार रहता है सिलेबस में, प्राचीन सभ्यता है, कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर, बालाथल, बैराट। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं जैसे राजवंशों के बारे में, उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में, उनकी राजस्व व्यवस्था के बारे में, सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम पढ़ने हैं। फिर जो स्थापत्य कलाएँ हैं हमारे, जैसे किले है, स्मारक है, कलाएँ हैं, चित्रकलाएँ हैं, हस्तशिल्प है, उनके बारे में, राजस्थानी साहित्य के बारे में, मेले, त्यौहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में और राजस्थान का एकीकरण आपको पूरा पढ़ना है। तो क्या ये राजस्थान का जीके पहले किसी सिलेबस में नहीं रहा था? क्या पहले ये किसी के एग्जाम के सिलेबस में नहीं था? अरे भाई, ये सभी के सिलेबस में था और ये पहले ही बोला गया था कि यही रहेगा सिलेबस। अभी भी कह रहा हूँ, ट्वेल्थ वालों, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी में लग जाओ तो भला हो जाएगा जल्दी से, नहीं तो अचानक से आएगी डेट, फिर मरोगे। भारत का भूगोल तो देख लो, भौतिक स्वरूप, जलवायु, नदियाँ, वन्यजीव, प्रमुख फसलें जिसमें गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय और कॉफ़ी, प्रमुख खनिज लोह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक, ऊर्जा संसाधन परंपरागत और गैर परंपरागत, प्रमुख उद्योग और औद्योगिक प्रदेश, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन के साधन और व्यापार, इसके बारे में पढ़ना है। राजस्थान का भूगोल भाई पढ़ाया ही जा रहा है ऑलरेडी। क्या मैंने रबी और खरीफ की फसल नहीं पढ़ाई? पढ़ा दी। धात्विक अधात्विक खनिज नहीं पढ़ाए? पढ़ा दिए। उद्योग आपको नहीं पढ़ाए क्या? तो फिर ये सब कुछ वही है, उसी के सिलेबस आ रहे हैं, देख लो। तो भूगर्भिक संरचना और भू आकृतिक प्रदेश के बारे में, जलवायु दशाओं के बारे में, अपवाह तंत्र, जिले, सागर, बांध, जल संरक्षण तकनीकें, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मृदा, जनसंख्या, जनजातियाँ, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन स्थल, यातायात के साधन, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद में पॉलिटी भी है राजस्थान की, तो देख लो भाई प्रकृति कैसी है राजस्थान के संविधान की, मतलब भारत के संविधान की, एक ही तो संविधान है। मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, जनहित याचिका, संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, संघीय और राज्य कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थानीय स्वायत्त शासन, पंचायती राज, इसके बारे में, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। अरे राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था का एक पूरा वीडियो है जो अभी तक पूरे राजस्थान में सबसे टॉप पर चला था और ग्राम सेवक के अंदर उससे ही सभी क्वेश्चन आए थे। आप आज भी जाकर के हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर देखो, राज्य सूचना आयोग वगैरह ये सब पढ़ा दिया जाएगा, नो टेंशन रहना। भारत की अर्थव्यवस्था भी दे रखी है, बजट निर्माण है, बैंकिंग है, लोकवित्त है, GST है, राष्ट्रीय आय है, समृद्धि, विकास का आधारभूत, राजकोषीय, सब्सिडी, ई कॉमर्स, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र जिसमें कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार, ये भाई कृषि उद्योग ने पढ़ा दिए, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति क्या है, पंचवर्षीय योजनाएं क्या थी, आर्थिक समस्या और सरकार की पहल क्या हुई और आर्थिक सुधार क्या हुए, उसके बारे में, फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है तो ये पढ़ा ही दिया, खाद्यान्न, व्यावसायिक फसलें और कृषि आधारित उद्योग ये पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। उद्योगों का विकास इसके अंदर सब कुछ बता दिया, ये कृषि आधारित उद्योग कौन से है, खनिज आधारित कौन से है, लघु और कुटीर कौन से है, निर्यात सामग्री, ये सब बता दिया। फिर गरीब और बेरोजगारी अवधारणा ये पढ़ा देंगे, हालांकि ये सब हमारे चैनल पर ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, लेकिन अब हम जो है पूरा कंटेंट ग्रेजुएशन CET के नाम से पूरा का पूरा एकदम टॉप लेवल का कंटेंट वापस फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस इसका करवाएंगे। फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अरे भाई ये सब पढ़ा देंगे, टेंशन ही नहीं लेना आपके। ये नहीं पढ़ाया क्या जंतु और पादपों का आर्थिक महत्व? अभी तो पढ़ाया है। और पर्यावरण और पारिस्थितिकी परिवर्तन, ये तो अभी चल रहा है, देखना है सिलेबस में, और ये सब पढ़ा देंगे, ठीक है। विद्युत धारा वगैरह, ये तो एक एक दिन के सब। विज्ञान तो आप टेंशन ही मत लो भाई, ये तो पूरी अपने हाथ में लपेट लेंगे अपन। फिर रीजनिंग है, तो रीजनिंग वही नॉर्मल है जो सबके आती है, इसी के अंदर गणित इंक्लूड है, ठीक है। ये पागल मत बन जाना कि गणित नहीं है, है, देख लो। मैथमेटिकल ऑपरेशन, एवरेज और रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सर्कल, इलिप्स, ट्रेपिज्म, रेक्टेंगल, स्पेयर और सिलेंडर का परसेंटेज है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, यूनिटरी मेथड, प्रॉफिट लॉस, एवरेज रेशियो, प्रोपोर्शन और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर सिलेंडर एंड क्यूब एंड कॉन,
ये तो पूरा एक वीडियो है भाई साहब, अभी भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर देख लेना, इससे बेस्ट आपको कहीं कंटेंट नहीं मिलेगा, इस बात की भी गारंटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। हिंदी के अंदर पहले ही बोला था संधि आएगी, है संधि चल रही है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, अव्यय, समास, भेद, सामासिक पदों का रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, विराम चिन्ह, ध्वनि, परिभाषिक शब्दावलियां, सब कुछ, मतलब इसके अंदर वही है जो पहले आपको बता दिया है, ये सब ठीक है ना। राजभाषा की हिंदी में जो संवैधानिक स्थिति है राजभाषा हिंदी की अपने, उसके बारे में पूरा, और इंग्लिश में भी वही टॉपिक्स है, यूज ऑफ आर्टिकल्स, टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रिपोजिशंस, ट्रांसलेशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, कंपेरिजन, ग्लोसरी, लेटर राइटिंग, आइडियम, फ्रेंच, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद में आपके क्या है, तो कंप्यूटर का ज्ञान है, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आ जाती है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड, जिसमें रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से है, एमएस ऑफिस में आपको वर्ड है, एक्सेल है, स्प्रेड है, स्प्रेडशीट है, पावर पॉइंट है, इन सभी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में आपके आ जाता है करंट अफेयर, करंट अफेयर के अंदर आपको राजस्थान का, भारत का और इंटरनेशनल यानी पूरा का पूरा करंट अफेयर पढ़ना है। समझ में आ गई बात, चर्चित व्यक्तियों के बारे में, स्थान के बारे में, संस्थाओं के बारे में। तो ये आपके सीईटी का पूरा नोटिफिकेशन था, सिलेबस मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब जैसे ही इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी जो है क्लासेस स्टार्ट की जा रही है, बहुत जल्द एक या दो दिन में ही इसकी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी, तो जो क्लासेस मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाने वाला हूँ, उसमें हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअली अपन सिलेबस वापस से डिस्कस करेंगे, और बहुत ही शानदार तरीके से बेहतरीन, और अगर सीईटी में जितने बच्चे सेलेक्ट होंगे, ये कोशिश करूंगा मैं कि हर बच्चा फ्री में पढ़कर सेलेक्ट हो, और वो भी राजस्थान एकेडमी सिरोही से। फ्री सिलेबस होगा, और राजस्थान एकेडमी करवा के रहेगी। जैसा कि मैंने कल लाइव वीडियो के दौरान बोला है कि भाई साहब, अगर अलख पांडे और खान सर बिहार पटना से ही निकल सकते हैं, क्या राजस्थान से कोई ऐसा टीचर नहीं निकल सकता क्या? अरे निकल के दिखाऊंगा, सपना देखा है, इस सपने को पूरा करके दिखाऊंगा, और आप लोगों के साथ मैं पूरा करूंगा। जो विश्वास कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अपना सपना पूरा होगा, और जो विश्वास नहीं कर रहे हैं आज, वो कल अपना विश्वास करेंगे, और वो मानेंगे कि हाँ, इन्होंने जो है, प्रवीण सर ने जो है जो बोला वो हुआ, और कंटेंट पूरा फ्री में पढ़ाया, और पढ़ाऊंगा, चाहे कितनी मुश्किलें आ जाए पढ़ा के रहूंगा मैं। और मैं ट्वेल्थ वालों को भी बताना चाहता हूँ, ट्वेल्थ वालों तैयार हो जाओ, सीईटी का एग्जाम इसी लेवल का आएगा, यही कंटेंट रहेगा, यही टॉपिक रहेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा, केवल लेवल थोड़ा सा लो रखा जाएगा। लेवल लो का मतलब है उसके अंदर मैथ के क्वेश्चन थोड़े आसान पूछ लेंगे, हिंदी के क्वेश्चन थोड़े आसान, लेकिन क्या सब्जेक्ट को सिलेबस चेंज किया जा सकता है क्या? राजस्थान हिस्ट्री की जगह क्या फ्रांस की हिस्ट्री डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे यार, ऑब्वियस सी बात है, यही चीज़ें वापस आएगी। इसलिए तैयारी में लग जाओ, जी जान लगा दो, इस सीईटी को फर्स्ट बार में निकाल दो, जॉब आपकी फिक्स हो जाएगी, क्योंकि सीईटी निकालने में ही आधे की नानी याद आने वाली है। जितना आसान उन्हें लगेगा ना, इतना बड़ा सिलेबस पूरा करते करते अगर नानी याद नहीं आ जाए तो देख लेना आप। तो अभी से लग जाओ, 3 महीने है, 3 महीने में फोट डालो, ऐसा करो कि आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो, और जो सिस्टमेटिक पढ़ेगा उसका तो सिलेक्शन होगा, नहीं पढ़ रहा है वो बाद में रोएगा, अभी नहीं बाद में रोएगा। जय हिंद, जय भारत, आप सभी लोगों के साथ मैं ऐसे ही जुड़ा रहूंगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देकर के राजस्थान के अंदर अपन जो है एक नया इतिहास रचेंगे कि हाँ, कोई फ्री पढ़ा सकता है। अरे जब मैं ऑफलाइन फ्री पढ़ा सकता हूँ तो ऑनलाइन क्यों नहीं फ्री पढ़ा सकता? धन्यवाद आप सभी लोगों का, प्यारी स्थिति बना रहे, लव यू ऑल ऑफ यू, और थोड़ा सा जो गुस्सा था आज वो आपके ऊपर निकाल दिया मैंने। पढ़ाई करो यार, नहीं अच्छा लगता है जब आप नहीं पढ़ते हो तो, बहुत दिल दुखता है कि यार मैं आज फ्री कंटेंट दे रहा हूँ, मैं आज इतना सोचता हूँ बच्चों के लिए, बच्चे नहीं पढ़ रहे, पढ़ो यार, ठीक है। धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में, और बहुत जल्द सीईटी की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ।